आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सिया के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सिया का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म पलाना गांव में हुआ, जो कि बीकानेर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और माता ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण किया। गुरुदेव का बचपन अनाथालय में बीता और वहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उत्तर रेलवे में क्लर्क के पद पर कार्य करना आरंभ किया। प्रारंभिक जीवन काल में गुरुदेव को आध्यात्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। सन 1967 में अचानक परिस्थितियां विपरीत हो गई। तब उन्होंने सन 1968 की शरद ऋतु में शुरू होने वाली नवरात्रा से गायत्री मंत्र के जाप के साथ यज्ञ करना आरंभ किया। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति तक गुरुदेव की एकनिष्ठ एकाग्रता बनी रही। 1 जनवरी 1969 की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। इस आराधना के बाद गुरुदेव का जीवन पूर्णतः सात्विक हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव को गुरु धारण करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्म मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे एवं इनका बचपन सिरमा गांव में बीता और आध्यात्म की तलाश में गुरु को खोजते हुए काजलवास जा पहुंचे। जहां उनके गुरु श्री भावनाथ जी काजलवास में तपस्या किया करते थे। काजलवास आदिकाल से ही नाथों की तपोस्थली रहा है। यहां पर 11 नाथों की जीवित समाधियां हैं। श्री धुंधला धोरमनाथ जी, श्री मोटा रावल जी, श्री कंकरिया नाथ जी, श्री वनखंड नाथ जी, श्री कान्हा नाथ जी, श्री गंगा नाथ जी, श्री दौलत रावल जी, श्री चरपट नाथ जी, श्री भावनाथ जी। काजलवास में अंतिम जीवित समाधि श्री भावनाथ जी की है, जिन्होंने बाबा श्री गंगाईनाथ जी को गुरुपद सौंपा और जामसर में तपस्या करने का आदेश दिया और यहाँ बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने कठोर तपस्या की। जब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सन 1983 के मध्य में दूसरी बार जामसर गए, तब बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने गुरुदेव सियाग पर अहेतु की कृपा कर
गुरुपद उन्हें सौंप दिया और आगे के कार्य और साधना करने का आदेश दिया। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः 5:22 पर बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए। उनकी समाधि उनकी तपोस्थली के नजदीक ही स्थित है। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो। उसके पश्चात गुरुदेव ने रेलवे सेवा से स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों को दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं। इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक आदि भौतिक आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतत्व की संज्ञा दी है।